अब पेश है गुड मॉर्निंग जे एंड के। महक उठी है फजा पैरहन की खुशबू से, महक उठी है फजा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जे एंड के। ईद उल अजहा, बड़ी ईद, ईद कुर्बान की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। परवरदिगार से हम दस्तबुद दुआ है कि हम सब के लिए ईद खुशियों का पैगाम लेकर आए, हमारी छोटी बड़ी खताएं परवरदिगार माफ़ फरमाएं, हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक अता करें। आज सोमवार है, जून के महीने की 17 तारीख, 1445 हिजरी के माह जिल हिज्जा की आज 10 तारीख है। और आप ज़रूर सोच पे पड़े होंगे कि आज के इस ख़ास शुमारे में और कौन से ख़ास मेज़बान अजहर के हमरा होंगे। तो आपको बता दूं कि प्रोड्यूसर साहब ने खूब काम अंजाम दिया है, मेरे हमरा जो दो मेज़बान और हैं ये ईद की तैयारियों में पिछले एक हफ्ते से लगे हैं, और इसके साथ साथ लबास से अंदाज़ा हो ही जाता है कि हकीकी मानों में जो इनकी मेहनत है वो रंग लाई है। दाई जानिब तशरीफ़ रखती हैं हुमैरा शफ़ी, जो पूरी तरह दुल्हन बनी हैं। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ईद की। और भाई जानिब तशरीफ़ रखते हैं हमारे छोटे भाई वसाब जीलानी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं वसाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, आपके लिए नेक दुआएं। आप बहुत खूबसूरत वेस्ट कोट, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं। हाँ हाँ जी, मैं मुखातिब हो जाऊँ? जरूर हो जाए, आपको आज इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। आज बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर जितनी बातें करनी है कर लीजिए। थैंक्स अलॉट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद उल अज़हा अल्लाह ताला की राह में सब कुछ कुर्बान करने का हम सभी को दरस देती है। जी हाँ नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाला जो शख्स होता है उसे कुर्बानी के जानवर के ऊपर हर बाल के बदले नेकी मिलती है। तो अज़र, मुझे लगता है कि आज के दिन पे हमें न सिर्फ कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी देनी चाहिए, उसके अलावा हमारे अंदर जो अना बुराइयां होती है उसे भी कुर्बान करना चाहिए, ताकि हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए। बिल्कुल, इस पे अज़हर भाई हम जरूर आएंगे कुर्बानी के हवाले से, लेकिन मैं भी नाज़रीन को सलाम जरूर, नाज़रीन रसी प्यार खलूस मोहब्बत भरा सलाम कबूल करें। और नाज़रीन, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अज़हर भाई हमारा, आपको भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो हमारे बाकी मेजबान है जो घर पे इस टाइम बैठे हुए हैं टेलीविजन देख रहे हैं, उनको भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके अलावा जो हमारे बिहाइंड द कैमराज हैं ऊपर पैनल पर बैठे हुए, उनको भी आज के दिन की मुबारकबाद, और बिलखसूस अहल इस्लाम को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद दी। और अज़हर भाई, जैसे कुर्बानी इशू कुर्बानी हूँ तो या अच्छा इस कोशिश मतलब इशू इस हर वरी इशू ऐसी बे फ्यूर लगा एक फिर कि ऐसे यथ मदियत किस दौरस मज यथ मटीरियल किस वर्ल्डस मज कित पट हेको इस पन्नस पानस जो हम जो है कुर्बानी करें, यह अनहज कुर्बानी जैसे आपने कहा, अश दिनुक दाई था ईसार का हमें दाई रखना है, यही हमें मजहब ईद सिखाता है। बेशु यो ईद असली उस फलसल यही है बड़े दिनों का। और कुछ दिन कब
मुझे और हुमैरा को एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात होने का मौका मिला, रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी साहब की। एक बात जो मैंने पिछले चंद दिनों में कई दफ़ा रिपीट की, कई दोस्तों के साथ शेयर की, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि आजकल के इस मादियत के दौर में बदकिस्मती से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या दूंगा, उस तरफ की तवज्जो नहीं है। इस वजह से शायद वो जो हम कहते हैं इत्मीनान की कैफियत, इत्मीनान की फीलिंग हमें मैसर नहीं होती। खैर, आईद के इस खास दिन के मौके पर इस खास एपिसोड में आपसे और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन फिलहाल आया चाहता है एक तिजारती वक्फा, और इसके साथ ही आप देखेंगे एक खास पैगाम ईद के ताल्लुक से बलदेव प्रकाश जी का। आप हैं MD J&K बैंक। दारुल अमान टूर एंड ट्रैवल्स, हज उमरा ज़ियारत टूर ऑर्गेनाइजर्स, यहाँ पे आपको सारी ज़ियारतें कराई जाती है, तो राबिता करें दारुल अमान बट कम्प्लेक्स नवाटा श्रीनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 9797224715। प्रोपराइटर अल्ताफ अहमद बेग की तरफ से अहले उम्मा को ईद मुबारक। प्रिय ग्राहकों, ईद के इस पावन अवसर पर हमारे सभी ग्राहकों, जम्मू कश्मीर लद्दाख और देश के सभी नागरिकों को जम्मू कश्मीर बैंक परिवार की ओर से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी दुआ है कि ये ईद सबके लिए खुशहाली और तरक्की लेकर आए और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाए। दोस्तों, आज तक हमारा यही प्रयास रहा है कि हम आप लोगों को अपनी बैंकिंग सेवाओं के जरिए फाइनेंशियली मजबूत ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि आपका और आपके अपनों का जीवन सुख और शांति से हरा भरा रहे। हमारी ये कामना है कि हम हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें और आपकी खुशियों को अपना मकसद मानकर अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाएं। एक बार फिर आपको दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप ईद स्पेशल। नाजरन, आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा सेट बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत लग रहा है, अच्छी खासी सजावट हुई है, एंड आई होप कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। आपके घर पर भी सजावट वगैरह होती है? सजावट, क्योंकि आजकल हमारे पास काफी ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स यू नो मयसर होते हैं, यू नो लोग प्रेफर करते हैं सजावट। बेसिकली ईद के ताल्लुक से जो हमारी रिवायात रही है कश्मीर में, आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, कि सफाई सुथराई का काम चलता है और ईद से पहले 8-10 दिन पहले ही वो सिलसिला हमारे घर में भी शुरू हो गया था। और इस बीच जो घर की माएँ होती हैं वो बड़ी पर्टिकुलर होती हैं कि प्रथ कोई कमरों को फर्ज के नेवर यून काटना, सो कहे छल नहीं यून, तो कैसे ड्राई क्लीन यून करना या बाकी चीज़, पर यह जान चीज़ जबान सफाई छ नसब ईमान अतहर शतर ईमान, यह जान चीज़ अमी बहान सफाई तक गसान ठीक पाठ, बेच चीज बे तक गसान यहाँ इतफा कर सी जन गरिक बड़ बुजुर्ग जेवी बहान के इंसान ये पता लगान से कुन जाए माचे कहां रेपियर करनी जरूरत है, अदरवाइज ना इंसान आसान रूटीन इसमें आ गाल ब्यूट की ज्यादा चीज चेक करा है ना, आ दौरान पर इंसान ये लगा पता है। इसलिए छ इज ब्रोम ब्रो वारियान गारन में पत रिनोवेशन काम ते गसान, रेपियर इस काम ते गसान। अच्छा, चूंकि यम जन सही वचन वेल छ लछ बिजनेस तदाद इसमें छ तो पूरे दुनिया इसमें सोनी प्रोग्राम उठान इन खलूस मोहब्बत खतर तो सड़ा सड़ा शुक्रिया। अच्छ पानस ते मजमज ये शित सान एहसास गसान जे तुंस कत ज्यादा पहन इंक्लूड हर प्रोग्राम मस कह, तो आज चूंकि अ खास प्रोग्राम, आज सानी फैमिली प्रोग्राम, आज से गेस्ट कहें, आज तु तो बेच, इसलिए आज मिल तुम भरपूर मौका। अगर तुम कह पैगाम यहां इन प्रोग्राम के जरिए वातना या कह खास कथ यहां आज बावन, तुम हूँ यूट्यूबस पर गिथ, यूट्यूबस पर तुम गु तुम करू डी डी कश्मीर सर्च कर सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो करू तुम लाइव चैट के जरिए पन खयालत इस्तफसारात या ईद हंद हवाल कत पैगाम तमाम वातन। चलो अक हे तुम अशारे दिख जो हेको कम
پیئر کرتھ اگر سن ایلڈرلی دوس آسن ژتجی وری علاوہ یمن وانس آس تم ہیکن پنی خیالات پنی تاثرات اس سیت بیت زی کیا کیا چھ تمن باسان بہتری آئی ون عید ہند حوال یا بڑن دن ہند حوال تو کس کس چیز چھ سو اس تم مس کران چھ بالکل اظہر بھائی بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ ایشو ہمیشہ ایک خلل رہتی ہے اور وہ بیچارے بہت سارے جو ایس ایم ایس آتے ہیں بہت سارے میسج آتے ہیں یوٹیوب پہ تم علاوہ بٹ ہم جو ہے نہیں لے پاتے ہیں کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں شو کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ناظرین کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے پر آج آپ نے جیسا کہ کہا اس کرو ضرور شامل پروگرام اسمت اور ہم جو ہے بالکل انتظار کر رہے ہیں آپ کے کمنٹس کا جب تک آپ کمنٹس کریں گے تب تک میں اظہر بھائی آپ کی اور آنا چاہوں گا ہمارا آپ کی اور آنا چاہوں گا بتائیے گا اظہر بھائی آج کا دن جو ہے صبح سے کیا کیا آپ نے گوڑ وہ دیتے تھے صبح کس بجے میں تھوتی نیندرے کم پت کیا کرو تو صبح اور یہ پنس ایکس کلی کس ونا تم اس ونا اور انجو مٹھائی اس خاطر دمس بما انا مٹھائی تو مگر بیسیکلی گوز ویری ڈسٹرب گوز روز روتل 2:30 بجے ہوشار اچھا ڈائی بجے گوس بہ ہوشار تم کریں میں واریاہ کوشش تم فکر عید نماز گژھنے چھوٹنی سچ سچ بڑا فکر آسان مگر سو فکر گئی جان کہ سو گژھ آسان تو بکوس ڈائی بجے ہوشار تم پت کر میں واریاہ کوشش مگس نندر بی پین تو مگر پین کی پت لج یہ فکر تے بالکل صحیح ونو تے زون چھ عید نماز گسو ہکن وقت پر پیرت تو تم پت پروگرام اچھا یا تم چھ ایکسکیوز یا چھ برابر ٹائم پہ پابند رو یہ چھ وقت وقت پر تو ہاں یہ بھی کمنٹمنٹ دیکھیے محبت کتنی ہے آڈینس کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ محبت ایسے ہی جاری رہے بالکل اچھا چونکہ میں عرض کر رہا تھا وقت کا ذکر آیا وقت میں بڑا بدلاؤ دکھ رہا ہے بالکل ہر صورت میں ہر طرح لیکن اس بیچ دور درشن نے جو اپنی روایات ہیں ان کو محفوظ رکھنے کا کام الحمدللہ جاری و ساری رکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری لائبریری کے حوالے سے اکثر ذکر آتا ہے کہ پرانی ریکارڈنگس ہمارے پاس ہے تو آج تک کوشش کران زی کہاں نو نو ڈیل تھا وہ تہندے باپت پچھو سے پرزرو کران پنی لائبریری میں عید ہندس موقع پر چھ کوشش کران زی ازمو پرانی یادن پھر سو پرون کشیر تات پرانی کشیر میں سانی ماجہ بینی آنگن میں نیران اس تو تم پتہ اس عید روح کران یا باقی بڑ دہ بڑ دہ ہندس موقع پہ اسان گندان درکان بیس در گنڈان تو پتہ روف کران تو اس اہتمام تھومت یت بڑس دہس پہ تس وات ناو تہ تامت امہ حوالہ تہ کی خاص 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 ڈالہ تو گوڈنچ ڈال کیا ولو وچھو رلت ملت
इस्तकबाल नाज़रीन, आपका एक और बार अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के में ईद स्पेशल। और नाज़रीन मोहतरम, ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे और हुमैरा जो है थोड़ी सी खफा थी। हुमैरा ने कहा कि अजहर भाई से तो आपने पूछ लिया कि आज का दिन कैसा गुजरेगा, लेकिन आपने मुझसे नहीं पूछा। तो हुमैरा इस पर जरूर आएंगे, हम जरूर आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप कितने बजे उठी और आज के दिन के हवाले से क्या आपकी तैयारियां हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ये ईद स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। ऐसी है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। तुम वुचान सारे पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे एंड के। तो आज तुम वुचान गुड मॉर्निंग जे एंड के ईद स्पेशल एपिसोड। मे सब वसाब जिलानी तो हमारा शफी तो बेच सुन मोहब्बत बिल्कुल असम कथि हूं एहसास। तुम प्रत दो सुबह 8 बजे टीवी सेट ऑन करा तो वो पुन पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे एंड के। अगर कुछ वजह कुन दो हूं वुत कह टी वस पे तेर या दोस में कुन यूट्यूब पे वुान तो यूट्यूब पे वनस लगातार अस तुंद कमेंट्स मौसूल सपदान। तो लाइव चैट के जरिए वो दोस्तों पन्नी ख्यालत अम वन कैसन दोस्तन हंद ख्यालत परबत कैसन हंद वसाफ। तो सन सठ रेगुलर व्यूअर युद्ध अस बड़ मोहब्बत एहतराम माविन परवेज यम प्रत इंश्योर करान लेखन के नत के प्रोग्राम मुतलिक ईद मुबारक पुन अम वन तुम सठा सठा शुक्रिया। तुम तो फर्दन फर्दन सारे एंकर हूं लाव लिखुत तुम सठा सठा शुक्रिया। शाहिदा गुल, अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा बिकॉज माविन भाई ने नीचे एक और कमेंट लिखा है कि उनकी जो डॉटर है वो खफा है कि माविन भाई का तो नाम हम लेते हैं जरूर पर माविया परवेज का नहीं। माविया परवेज, बिल्कुल माविया परवेज आपको भी ईद के दिन ईद की बहुत 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 मुबारक बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं अपने पापा के हमरा। और फारूक अहमद भी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं नव बुक से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ईद की मुबारकबाद आप हमें देख दे रहे हैं। और संजय दर साहब तो सड़ा सड़ा शुक्रिया मारा, सड़ा सड़ा शुक्रिया प्रोग्राम वुशने खातर। ताहिरा अख्तर जी आप भी ईद की मुबारकबादी दे रहे हैं, मसरत रसूल, जाहिदा अख्तर, रुकैया बशीर और उसके बाद ताहिर शफी खान, शफी खान साहब बोल रहे हैं कि वेदर अपडेट प्लीज। तो वेदर अपडेट पे जरूर आएंगे हम, हमारा शफी के पास जरूर होंगे अपडेट जरूर। तो बताइएगा हमारा मौसम के हवाले से कोई अच्छी खबर सुनाना जिससे हमारे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं वो बड़े खुश हो जाएं। उनका मूड डिपेंड करता है ना इसी पे, मौसम कैसा होगा ईद के दिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे। वैसे आज नाज़रीन श्रीनगर का मौसम खुश्क रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। दर्ज हरारत की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 46 और कम से कम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी आपको बताना चाहेंगे नाजरीन कि आज नेशनल हाईवे 44 पर और मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। फर्दर अपडेट्स के लिए आप इनका जो एक्स हैंडल है उसे भी फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। वंडरफुल। तो जो सवाल है वसाब साहब का वो अपनी जगह महफूज है हमारा जी से कि बताइएगा हमारा जी आपकी ईद कैसे गुजरेगी, क्या प्लान्स हैं और तैयारियां आपने किस किस्म की हैं? वेल, इस बार मैंने ज्यादा प्रिपरेशंस नहीं की, सिर्फ मैं अरफे वाले दिन पर घर की जो सफाई है उसी में लगी हुई थी। और आज के दिन के हवाले से मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, आई होप कि वो वर्क करेगा अकॉर्डिंगली। और चूंकि कुर्बानी के टाइम पे यू हैव टू सेक्रीफाइस द एनिमल एंड वो तकसीम करने जाना है मुझे। और यूजुअली लड़कियों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ईद के दिन, लेकिन मुझे लगता है लड़कों को भी काफी सारे काम करने होते हैं। सबसे बड़ा जो मुश्किल चैलेंज होता है वो है कसाई को ढूंढना, इजंट इट? तो आपने बुकिंग कर रही है? मैं रेट के हवाले से अर्ज कर रहा था कि अच्छा वुचमुत ये बाकन मजहबन से तौलुक थावन वाल सन दोस पन का बोर्ड दो सेलिब्रेट करान तिंद पन लुक तुम स्पेशल डिस्काउंट्स दिवान। सन बदकस्मती से दोस इथन दोन मौकस पे सन जन बिल्कुल हवाल तो सरकार की तरफ का इनिशिएटिव नुन यून मे बसान अगर रेट तो फिक्स करान तिकाज अत मत मनमानी हूं मामल ग अच्छा बे गान सो बदमजगी गान तेज खुशी 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 ये जानवर ओन पत गिक सारी बच इकटे पे बुथि ब्रोह कर सोन दोस
पुजका आसान या कसाई बोय आसान यह कहान नज ना तेज गए बह नो तेल कर अगर कह रेट बसान यह ठीक बसान रेट इंसान बसान कि ठीक नॉर्मल रेट सो हे कह अमाउंट ब्याह बसान इंसान बुजती कि रेट तो अमे हवाल मे बसान करो मोतबान गुजारिश तम आ गर मैं द्रामे शायद कहें ईद नमाज सी आसान आवर यम सन तम दोस नेक काम सत अजीम काम सत मुनसलिक वाबस्त अम कथ ख्याल यह सोन बोड़ दो तो वह लुख तम मफलूकुल हाल लुख तम शौक वाल शायद शायद तीस एफोर्डेबिलिटी तक मगर तम कोशिश कर गन कुर्बान तो तिंद खुद गोस ना बोर बन कोज बन परेशानी बन महरबानी करो अम कथ ख्याल अजर भाई जो कत पे मैं अम सद गो कह दो कि रेट गिक्स आन तुम वो कि वंकस इन दिन मज पर्टिकुलरली लास्ट सेवन डेज अशाए जरूरियात अशाए खुर्दनोश अत पे रेट ज्यादा हाई अखबार में खबर आम गो सो तुम वो फेस्टिवल अगर दिम फेस्टिवल वो चाहे दिवाली हो होली हो कोई भी फेस्टिवल हो मेरी क्रिसमस हो तक रेट गाउनर्स एग्जैक्टली तो इट्स थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट है मे बसान कि शायद ये इस खत्े में है या बाहर भी है ये आप शायद बेहतर बता रहे हैं मुझे लगता है कश्मीर में ही है ज्यादा लार्जली कश्मीर में ही हमने देखा है कश्मीर के बाहर ऐसे ऐसा नहीं है बल्कि मैंने ये भी देखा है अगर हम जम्मू की ही बात करें इसी यूटी का और एक खिता है वहां पर हमें देखा है कि ऐसे त्योहारों के मौके पर जो नॉन मुस्लिम भाई है नॉन मुस्लिम कारोबारी जो शख्स है अशखास हैं वो भी डिस्काउंट्स देते हैं exactly. चले जी ईद ऑफर है चले जी होली ऑफर है दिवाली ऑफर है तो मुझे लगता है इस बात का ख्याल करें जरूर जो त्यौहार है कोई भी बड़ा काम या कोई भी त्यौहार जब समाज में मनाया जाता है तो मुझे लगता है मिन जुमला ये हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इस त्यौहार को इस बड़े दिन को बड़ा बनाने में हम अपना रोल निभाएं और फराग दिलाना अंदाज से कोशिश करें जितना मुमकिन हो पाए कि हम डिस्काउंट्स भी दें ऑफर्स भी दें और कोशिश करें कि अननेसेसरली रेट्स ना बढ़े और इसके साथ साथ ही अजहर भाई ये भी जरूरी है कि जो मतलब क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छा होना चाहिए इन दिनों क्या इसकी रश सारी खरीद में जो है खरीदते हैं मतलब असल पर खेवान इस क्वालिटी पे ना कंप्रोमाइज करें यूजुअली तो यू सोचा फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स मेरा ये मुशाहिदा अपना नोटिस किया हुआ है कि वंशन पैटीज होती हैं वंशन इस प्रेफर करा ज्यादा कहीं नहीं क्योंकि उनमें मजा नहीं होता है तुम शासन इतना पटी मोह बनाए उस पर जो है बहुत जरूरी है जो है हमें फोकस करने की जरूरत है और डिस्काउंट होना चाहिए क्योंकि हर एक फेस्टिवल पर डिस्काउंट होता है चाहे वो किसी भी चीज में हो डिस्काउंट जरूर और दहीम कात करूँ तो अमे हवाल की ऐसे हर एक महलस मज हर एक कॉलोनी में आसान पूछ तो सुबह पे वा फोन कि तुंद घर में आव तो सूजन अम पद तो यह अत म थोड़ा बहुत गुत प्यार पान क्या अत पुसुद कहान जो त्रेन टोटल महलस मजान तो जबह करान सही कुर्बानी करान यूजुअली क्या गान कि पुस तम नम न अत होल्ड कहीं तो तम पुस तथ पे करान जबा कि पुस तक बना द्रट नाट पुस हकान सुनि और ये एनेकडोट मैं एक शेयर करना चाहूँगा बहुत छोटा था मैं तो लक्चार इतना पुछा कम तो कहीं माल द्राय कह लक लक नौजवान तो तमो कबा तो तमो कूद जबा कि गोडनी जंगे हेरमी जंगे जटक तो पुस कह पे तुम बस तो ये द्रट नाट बचे मुझे ये भी याद आ रहा है वसाफ वो कहते हैं ना कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसके तीन हिस्से होते हैं एक खुद के लिए दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए तो मुझे लगता है कि जो कुर्बानी है वो यूजुअली वही लोग करते हैं जिनके पास ताकत होती है जो साल भर गोश्त खाते रहते हैं उनको ज्यादा जरूरत नहीं होती है तो उनको चाहिए कि वो आज के दिन पर गरीबों को पहले यू नो तो उनको प्रायोरिटाइज करें राइट देखिए क्योंकि उनका हक होता है। बेसिक फलसफा यह है कि कुर्बानी के जानवर का न तो खून और नहीं गोश्त परवरदिगार तक पहुंचता है पहुंचता है तो कुर्बानी करने वाले शख्स का तकवा तकवा यह सुन्नत इब्राहिमी है बिल्कुल उन्होंने जानवर को अपने फर्जंद को जबह करने के लिए लिया लेकिन परवरदिगार का मंशा कुछ और था लेकिन वो बेसिकली आजमाइश थी उनके तकवा की आजमाइश थी उनके जज्बे जिस तरह आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही प्रोग्राम के आगाज में ही कि हम क्या क्या कुर्बान कर रहे हैं इंसानियत की बका के लिए इंसानियत की बेहतरी के लिए अपने हमसाये के साथ अच्छा करने के लिए अपने रिश्तेदार के साथ नेक करने के लिए
क्या हम अपनी अना को कुर्बान करेंगे, क्या हम अपनी खुदगर्जी को कुर्बान करेंगे, क्या हम अपनी लालच को कुर्बान करेंगे। मुझे लगता है जिस दिन हमें ये बात समझ आ जाएगी उस दिन हमें हकीकी मानों में कुर्बानी और ईद कुर्बान का फलसफा समझ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेशक बहुत सही बात कही, बेशक अहम यो बे देखिए दईम चीज कुर्बानी इशू कुर्बानी इस करूँ अपनी अना का हमें कुर्बानी करनी है। तो सच सारी को जरूरी इस दौर में मादियत इस दौर में वा कि प्रेफर करा हूं अशन दिवान कहीं दुन जरूरी दुन मतलब यो ईद तेचनावान यो इस्लाम तेचनावान दुन जरूरी इस मादियत की दौर में मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा अजहर भाई और भी कमेंट्स आए हुए हैं प्लीज शामिल करें। तो बिल्कुल और अच्छा बड़ा फनी एक कमेंट है और माविन परवेज साहब फिर से मेंशन जरूर करना चाहूंगा मैं उनको क्योंकि अब वो हमेशा हमारे व्यूवर्स हैं और बने रहते हैं प्रोग्राम में हर दिन सुबह लगे हुए तो होते हैं हमारा प्रोग्राम देखते हैं। उनकी जो होम मिनिस्ट्री है मुझे मेंशन अच्छा, कर वो नाराज हो गई नाराज हो गई है होम मिनिस्ट्री को नाराज नहीं करना बिल्कुल कोई मैसेज कर प्लीज मेंशन कर दो ईद के दिन हम चाहते हैं बहुत ही खुशहाल माहौल रहे यार घर में तो सोरी हयात को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद उनका बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुरसल रियाज ने भी हमें कई कमेंट्स हमारी लाइव यूट्यूब चैट में हमारे साथ शेयर किए हैं। आपके शो से हमारी ईद को रौनक बढ़ती है बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी वजह से हमारा शो है इट्स बिकॉज ऑफ यू ये प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की नई मंजिल तय कर रहा है आपकी वजह से ये प्रोग्राम बिल्कुल और प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों का जिक्र नहीं आया तो ईद अधूरी रह जाएगी बच्चों से ही ईद होती बिल्कुल। है बिल्कुल और आपके घर में भी माशाल्लाह बच्चे हैं आप तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते होंगे अल्लाह ताला का करम है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी भी है बहुत ज्यादा रौनक होती है लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है जी बिल्कुल इस एतबार से कि बच्चे तो बच्चे हैं बच्चे वैसे आपकी अभी बच्ची ही हैं आप ज्यादा बड़ी नहीं हैं आई श्योर आप भी अभी जिद करती होंगी अपने वालदेन से कि मुझे जो है पटाखे फोड़ने मैं करती थी ये सब लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छी लगी अब मैंने वो सब करना छोड़ दिया है। अच्छा ठीक है एनीवे ऑन अ लाइट नोट इसमें यह है कि वालदेन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जानते हैं मसरूफ भी होते हैं बेचासा पर थुक मुते इंसान खास करके आती है इस मौके पर। अच्छा लक ये इस मौके पर जिसकी कैफियत आसान थकावट के हवाले से बना तो क्या पूरा रहता सिल इंसान रोज रोज पच्चीस इंसान आसान सो भूखा भी होता है लेजीनेस फील कर रहा बहुत खाता है लेजीनेस होती है। अच्छा इस ईद पर मामला इस किस्म का है कि आप जो कुर्बानी प्रेफरेबली चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुर्बानी हो और उसके बाद आप थक हार के चाहते हैं आपने कुछ टाइम रेस्ट करो और उसके बाद आपकी शरीक हयात या आपकी माँ आपकी बहन आपको बोलती है कि बच्चे जो है ये कहते हैं कि ऐसे टास्त्रा बने पटाखे फोड़ने हैं या जिद कर रहे हैं दुकान से कुछ लाने हैं। अच्छा फिर वो जो आपकी नींद टूटती है ना नींद में जो आपका खलल आता है उस वक्त आप बोलते हैं क्या करूं लेकिन ये बच्चे हैं बच्चों से तो सिर्फ प्यार ही किया जा सकता है लेकिन इसमें हाँ ये एक जिम्मेदारी जरूर आयद होती है कि आपकी निगरानी में ही अगर उनको कोई जिसे हम कहते हैं बचकानी हरकत करनी भी है आपकी निगरानी में ही करें ताकि आप ये इंश्योर कर पाए कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे कोई हादसा पेश ना आए। परवरदिगार हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें एक और वक्त के लिए रुकेंगे देखते रहें गुड मॉर्निंग जे एंड के क्या मैं भी बच्ची हूँ कृष्ण एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में मेहमान नवाजी के जायके में मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बना। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI. जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में मेहमान नवाजी के जायके में मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बना। वेलकम बैक देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के और आज आप देख रहे हैं ईद स्पेशल।
नाजरीन अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले पढ़ती हूं अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर, एक्सऑर्बिटेंट प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टेक टोल ऑन कंज्यूमर्स। जी जी, और मेरे पास एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा है। इस अखबार के पहले सफे पर कई अहम खबरें शाया हुई हैं, इन्हीं में से दो खबरों का इंतखाब करते हुए उनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। वर्क इन मिशन मोड, इंश्योर क्विक रेस्पॉन्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, अमित शाह टू जे के सिक्योरिटी ग्रिड, रिव्यूज अरेंजमेंट्स फॉर अपकमिंग अमरनाथ यात्रा। और एक सुर्खी, न्यू क्रिमिनल लॉज विल टेक इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, यूनियन लॉ मिनिस्टर। जी, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे, ईद उल अजहा की तकरीब सईद, आज नमाज ईद की इज्तिमात के इंतजामात मुकम्मल। जी, उर्दू अखबार की सुर्खी पेश करने से कबल हमारा एक सुर्खी पेश करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं जी। इस पे ये खबर शाया हुई है, ऑनलाइन घोटालों पर काबू पाने के लिए पुलवामा में साइबर यूनिट की कार्रवाई, व्हाट्सएप के जरिए दो सार्फीन को लूटने की कोशिश नाकाम बनाई। जी अजहर, उर्दू अखबार की सुर्खियां, 18 लाख से ज्यादा अफराद ने हज अदा किया, सऊदी शुमारियात अथॉरिटी। और एक सुर्खी, तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की जाएगी, अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद। और कश्मीर की कुछ नामी गिरामी मशहूर मारूफ मसाजिद और खानकाहों की ईद नमाज की टाइमिंग के हवाले से इस अखबार में एक फहरिस्त शाया हुई है। चंद मसाजिद और खानकाहों की टाइमिंग के हवाले से आपको मुतल्ला करना चाहता हूँ। आसार शरीफ हजरतबल 10 बजे, जामिया मस्जिद श्रीनगर 9 बजे, आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा 9 बजे, जनाब साहब सोरा 9 बजे, जनाब साहब सोरा के बाद पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अला खानियार 9 बजे, सईद हसन साहब नौहटा 6:30 बजे, वो तो अदा की गई, खानकाई मौला श्रीनगर 11 बजे, ख्वाजा नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अला 10 बजे, अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह अला चरारी शरीफ 9:30 बजे, मखदूम साहब रहमतुल्लाह अला श्रीनगर 10 बजे, और सईद याकूब साहब रहमतुल्लाह अला सोनावार 9 बजे। जी, मेरे पास एक और मकामी अंग्रेजी रोजनामा है, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे, रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस रिफ्लेक्ट्स फेथ इन डेमोक्रेसी, एलजी डेडिकेट्स 3 ईयर एनिवर्सरी एडिशन ऑफ आवाम की आवाज प्रोग्राम टू जेके रेसिडेंट। जी हमारा, मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पर यह खबर शाया हुई है, गडकरी विजिटिंग कश्मीर ऑन मंडे विल चेयर रिव्यू मीटिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जी वंडरफुल, ये थी अखबार की सुर्खियां। आगे कुछ जी, मेरे पास आखिरी अखबार है, एक सुर्खी इस पर जरूर शामिल करना चाहेंगे, गैंग ऑफ थीव्स अरेस्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर्ड। जी अजहर भाई जी, और लगातार जो है अब ये सिलसिला शुरू हो गया है दोबारा, दरवाजा खुल गया है कमेंट्स हमें पहुंचाने का। मुस्कान मोहिउद्दीन ने भी कई बार कमेंट किया है, तो आप सभी से एक दरख्वास्त होगी कि आप एक बार कमेंट करें, और आप यकीन रखें हम आपका जरूर कोशिश करेंगे कि हम कमेंट जो है आपके जो ख्यालात हैं वो इंक्लूड करें। एक बार करेंगे तो दूसरे दोस्तों को भी मौका मिलेगा कि वो भी कमेंट करें, वो भी अपने ख्याल हम तक पहुंचाएं। और इसके साथ साथ मोहम्मद रफीक भी पूरी टीम को ईद मुबारकबादी देते हैं, साइकिलिस्ट फारिक फ्राम हवल की तरफ से। उसके बाद महराज कृष्ण संतोषी, हैप्पी महाराज कृष्ण संतोषी, हैप्पी ईद टू ऑल माई कश्मीरी ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, साढ़ा शुक्रिया। दई खर से जो याद संजय दर साहब, दोबारा हम आपके ऑफ ईयर बातें भी सुन रहे हैं। आई एम श्योर कि हमने कोई ऐसी बात ना की हो, ना की हो। अब एक फैमिली शो है और हम फैमिली मेंबर्स आपस में बेतकल्लुफ होकर भी कुछ बातें करते हैं। आई एम श्योर ये कोई बात ना गवारा नहीं गुजरी होगी, हमने कोई किसी की बात नहीं सुना। जैसे हम थोड़ा बैंटर कर रहे थे आप और हमारा, जरूर बैंटर कर रहे थे, पर सोच फन वे उसमें। अच्छा, ताहिर अख्तर दोबारा और जाहिदा अख्तर भी, इकरा दी क्यों नहीं आई, इकरा दी की अपनी मसरूफियात हो सकती है, आज हमारा जी आई तो अगली ईद को इकरा जी आएंगी। वैसे इकरा जी से तो आपकी मुलाकातें होती रहती हैं, और हमारे जितने भी मेजबान हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक फैमिली हैं, और ये पॉसिबल नहीं है सोफे, ये जो हमारे सोफे हैं ये इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, एडिशनल तो इतने लोगों को ही अकोमोडेट कर पाते। खैर, ये जो कमेंट्स का सिलसिला है ये ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन कुछ दोस्तों ने अगर देर से अपना टीवी सेट ऑन किया हो या यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम देखना शुरू किया हो, तो आपको बता दें कि आज के ईद स्पेशल
प्रोग्राम में, इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको मौका फराहम कर रहे हैं कि आप अपने इस्तफसारात, ख्यालात और ईद के हवाले से पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं। आप YouTube पर जाएं, डीडी कश्यप सर्च करें, डीडी कश्यप सर्च करेंगे, ये हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और आप चाहें तो आप लाइव चैट में अपने ख्यालात हम तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा बिल्कुल अजहर भाई, मैं भी थोड़े से कमेंट लेना चाहूंगा क्योंकि जो आपने मिस किए यूजुअली शायद सामने इंक्लूड करें। और मुबशिर शाह साहब, आपको भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक, खासतौर पर अजहर भाई आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और खालिदा तक, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। समी जान, हमारी तरफ से ईद मुबारक कबूल कीजिए। बिल्कुल खैर मुबारक आपको। मुरसल रियाज, ईद मुबारक अजहर भाई। अजहर भाई प्लीज उनका जवाब दीजिए, आपके फैंस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपके फैंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं आज, आज थोड़े से अजहर भाई ने जो बाजी मार कुर्बानी के साथ बिजी होंगे। बड़ी जबरदस्त है आप माशाल्लाह, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, माशाल्लाह। बिल्कुल, तो हमें कहा जा रहा है कि ईद के हवाले से एक और सौगात रखी गई है, तो ये देख लेंगे हम मिलजुल के फिर से एक दफा, और उसके बाद आपके ढेर सारे और जो कमेंट्स आएंगे, आई एम श्योर इस बीच आप और भी बहुत सारे कमेंट्स करेंगे, लेकिन जिन दोस्तों ने पहले कमेंट करा वो काइंडली अब ना करें, दूसरे दोस्तों को मौका दें, दूसरे व्यूवर्स को मौका दें। तो आपके ख्यालात, इस्तफसारात और पैगाम भी हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। रुको आए कि बे ईद रुफ बापत कि रुफ दिल पूछो बे कसम प्राण याद ताज यम तुहन गारन मज सान गारन मज माज आसान बे आसान बुजुर्ग आसान तम गुनगुनावान इन ईद रुफन सलो करो कोशिश गुनगुनाओ। अच्छा अतपट पे अजहर भाई बिल्कुल हम जरूर ये देखें, अतपट पे मैं याद कि मे बूज मे पान वोमुत क्या अच्छे ये रुफ अच्छे मे जर सही मारद या पर बहुत जनान कल्चर हमारा ये नटखट शुर हवाल अको एक गेस्टन प्रोग्राम वोमुत बहुत नॉटी दस थोड़ा करो एक्सप्लेन ये नॉटी तुम ये सैनिस आंगन म ईद हिंदिस मौक पे सान महल लेडी आनान यकजा गसान तुम बोस पे तिम थवा पत्क या थवक फिराक गंड कर मस लटर या थवक तिम गंड कर तुम पे तुम छुटन तुम दब लगा तो बो मे फन बेसिकली हर जमाने की वैसे मर्द लोग ज्यादातर शरारते ही करते रहते हैं। कौन जो मर्द हजरात होते हैं मतलब आप किसकी तरफ है? मतलब ऑलमोस्ट सभी ऐसे ही होते हैं। अदर भाई टारगेट पे आप हैं, आप बिल्कुल सीट पे हैं। मेरा कहने का मतलब ज्यादातर लोग वैसे ही होते हैं, मैंने देखा हुआ है। देखिए आप हॉट सीट पर बैठी हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको सब कुछ बोलने का इख्तियार है। ऑन अ लाइटर नोट, एनीवे हम रुकेंगे बिल्कुल एक ईद रुफ के लिए वापस सिमो बेकिंग कट करो रुजू उछा गुड मॉर्निंग जॉइन किए ईद आए मुबारक।
वेलकम बैक, देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके एंड आई होप नाज़रीन आपने बहुत एंजॉय किया होगा आज के हमारे इस प्रोग्राम को एंड इनफैक्ट मैंने भी काफी एंजॉय किया यहाँ सेट पे इन दोनों के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने एक्नॉलेज किया कि आपको मजा आया आज जीदो के साथ प्रोग्राम में और हम उम्मीद रखेंगे ये नोक जोक आप दोनों की जारी रही, मुझे लगता है प्रोग्राम एंड हमारा हमारी हमसाया भी है, हमारी नेबर भी है और मैं आज खुलासा कर दूं कि जिन दिनों हमारा कौन सा प्रोग्राम आप होस्ट करते थे, कानून और इंसाफ की? नहीं, कानून और इंसाफ से पहले, उससे पहले टेली क्लासरूम जी। जिन दिनों मैं जो ही मैं प्रोग्राम होस्ट करके बाहर निकलता था तो हमारा मिलती थी और एक जमाने में हमारी फैन हुआ करते थे, अभी भी हैं, आई एम स्टिल योर फैन, थैंक यू सो मच, प्लीज ऑलवेज माय फेवरेट एंकर राइट फ्रॉम द स्टार्ट, सो नो डाउट। हम ये दरअसल अपनी तारीफ सुनना चाहते थे, तारीफ सुनने की जरूरत नहीं है इसी पर, थैंक यू सो मच। वो भी पॉजिटिव नोट पर हम रुकेंगे फिलहाल एक और वक्फे के लिए, वक्फे से लौट के आएंगे, कुछ और बातें होंगी और ये नोक जोक जारी। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद थी, क्या बात कहते कुर्बान के सिलसिले में आज पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है, ईद की खुशियों में लोग एक दूसरे को ईद मुबारकबाद दे रहे हैं और ईद के मौके पर आज का खास एपिसोड हम आपको डेडिकेट करते हैं, आपकी नजर कर रहे हैं और आपके इस्तफसारात, ख्यालात और पैगाम ईद के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि आप तक ही नहीं उन लाखों करोड़ों देखने वालों तक पहुँचा रहे हैं जो पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को बहुत ही शौक शौक से देखते हैं। तो कुछ और बिल्कुल अजर में और भी कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स हैं, सॉरी अगर मिस हो गया कोई कमेंट, हो सकता है क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते आगे जा, बिल्कुल हमारा के लिए कोई कमेंट आया जी, बिल्कुल जैसा कि आप फैन की हमने बात की, हमारे जी आपका भी बड़े ही फैन है और उनने लिखा है कि बिगेस्ट फैन ये है फारूक वहीम फारूक साहब और ये भी लिखा है कि लुकिंग गॉर्जियस, तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो तो हमारा दिख रही है माशाल्लाह। शाहीना सरवर आपको भी मैम ईद मुबारक, बट जाकिर शेख रशीद चेरी 75, चेरी 75 बिल्कुल हमारे लिए चेरी जरूर लाइए आप, उसके इंतजार कब लाएंगे आप, मौसम है तो चेरी 75 आपको ईद मुबारक। फहीम फारूक आपको भी ईद मुबारक, शफी खान आपको भी ईद मुबारक, बट जाकिर आपको भी ईद मुबारक, मिर्जा गालिब साहब भी हैं और गालिब साहब भी हैं, क्या नाम है माशाल्लाह, तो उनको भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। बशीर अहमद आपको भी ईद मुबारक, अब्दुल हसन मौसवी आपको भी ईद मुबारक, पीरजादा आबिद मोहिद्दीन शाह ईद मुबारक टू होल टीम आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। सलीमा अख्तर जी लिखती हैं ईद मुबारक आपको भी मैम, बहुत बहुत ईद मुबारक, और खान मसरत आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला है ये आगे भी जारी रहेगा और आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके इस हवाले से आज तक शिकवा गिला रहा होगा पूरे साल, वो शिकवे और गिले हम दूर करने की कोशिश करेंगे, आज मौका मिल रहा है। अच्छा आख सठ ही अहम कच्छ वसाब ईद इस मौके पर हमारा करना से इतफाक जी, चूंकि अशा गरस मज कुर्बान करान सो तबरुक आसानी इम पत बाकी यार दोस हमसाय रिश्तेदार तो सोजान, तो अत मत पता बोड़ मामला आसान से फ्रिजस मन पत त्रेश बोतल थाने मगर ये कह समझ आज अलहमदिल्ला हदस ताम लुख आसूद हाल खन चन आदात तम हवाल बेहतर से आज तकरीबन हफ्त मे दो लट इंसान माज नॉन वेज चिकन खेवानी खेल, तो मगर पत अत मूत ज्यादा स्टोर कर दिक्कत गा बे कुछ सात अल्लाह ताला कर फूड पॉइजनिंग हूं खतरा ब्या मसल ये तुम पे बड़ परेशान आसान अगर पावर गो तो वह क्या बने फ्रिजस मज माज गो खराब, अम खा बेहतर इंसान कर लालच के अगर कह जरूरत मंद यतीम खान दरसगाह तौर नमो पानस पोश दोन चौन दोन पांच पोश करो खराब होने से बेहतर है ना कि कंट्रीब्यूट किया जाए, है ना, सही सही मिस्कीनों में जिनको जरूरत है थोड़ा सही कोशिश रोजें
बहुत हालांकि कर रहा है इसकी इस पर साथ शायद कहते हैं मतलब लाल चीज है इस पर ठगी रोज। अच्छा अजहर भाई बिल्कुल, अच्छा हमारे प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं मैसेज लेनी है, एक जरूरी मैसेज लेनी है, पर उससे पहले मैं अजहर भाई आपकी बात को ऐड करना चाहूंगा। फिर भी अजहर भाई वेंकटेश विशा इस दीवान की कोशिश करा इस दिन तवारिया तो बे सूच सूच इस करा इस शाम सत बनावा पन पन पसंद तुझ बना सूच थोड़ा सा जल्दी पन मतलब। बट आपने बहुत अच्छी पॉइंट कहा, बहुत अच्छी बात कही कि बेहतर गज दुनिया कुर्बानी यदि अगर ज्यादा ज्यादा यह जरूरत मंदन तमत वाजे तक अल्लाह ताला ज्यादा रहे। खैर हमें रुकना होगा एक और पैगाम के लिए, पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं बलदेव प्रकाश जी, आप हैं एमडी जे एंड के बैंक। प्रिय ग्राहकों, ईद के इस पावन अवसर पर हमारे सभी ग्राहकों, जम्मू कश्मीर लद्दाख और देश के सभी नागरिकों को जम्मू कश्मीर बैंक परिवार की ओर से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी दुआ है कि ये ईद सबके लिए खुशहाली और तरक्की लेकर आए और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाए। दोस्तों, आज तक हमारा यही प्रयास रहा है कि हम आप लोगों को अपनी बैंकिंग सेवाओं के जरिए फाइनेंशियली मजबूत ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि आपका और आपके अपनों का जीवन सुख और शांति से हरा भरा रहे। हमारी ये कामना है कि हम हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें और आपकी खुशियों को अपना मकसद मानकर अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाएं। एक बार फिर आपको दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के में। अच्छा अब मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि खाने में क्या पसंद है, यू नो कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड जिसके बगैर आपकी ईद इनकम्प्लीट है। हमारा कहने जा रही है जे एंड के बैंक के इस प्रोग्राम के बाद मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ मेरी ईदी कहाँ है। चलिए अच्छा जैसे ना आपने बड़ा तैयार रखा हुआ है, मोबाइल फोन हाजिर है, तीन एप्स भी हैं, आप ना बेवकूफ बनाते हैं। पिछली बारी भी वैसे आप पिछली बारी भी इन्होंने बेवकूफ बनाया था। ईमानन हकीकत यह है कि इनको हमने कहा बार कोड दिखाइए, बार कोड दे दीजिए, हम स्कैन करके पैसा डाल देंगे ईदी का। अब ये टैक्स हैवी है नहीं, अब ये इस हवाले से मॉडर्न, ये कपड़ों के हवाले से बहुत मॉडर्न है, लेकिन इन चीजों में मॉडर्न नहीं है, मांगने का फायदा नहीं है, डिजिटल पेमेंट्स का जमाना है कि नहीं है। चलो कुछ हवा कोई जेब में ही नहीं होगा किसी के पास, नहीं होता भी बेउस माशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, इनको तो ट्रांसफर कर दो, किनको वसाब वसाब को मैं करूंगा। हां हां हम देखेंगे ना, यही यही पे हम लाइव देखेंगे अजहर भाई। बिल्कुल नहीं 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 आप दे दे बार मैं बिल्कुल आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप जरूर जो एमएवाल की उसे रात जो ये चलो रात स्मूथ चलो जो एमपी वो भी था वो भी जी स्मूथ चली ऐप चला वो चली वेरी राइट बिल्कुल किया। अच्छा अजहर भाई कुर्बानी हवाल कर रहे हैं इसका था अच्छी पियों में याद कि एम ब्रो की पांच शदो शासन की इसराफ शुगर सा वारिया जात खैर तो वन तो उस ऐसे करुण सो कोर उस ये अन सो ओन मगर अत सो अजहर भाई वन वन से गुन आ बिश या पफ नश मास नश या खास के रिश्तेदार या खास के रिश्तेदार खासकर अगर नई सोई नई सोई मेरे मुंह की आपने बात जो है तो तथा थोड़ा सा ज्यादा पहनत इसराफ कर क्या सो एक्स्ट्रा जूस तम एक्स्ट्रा चॉकलेट्स माश ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो तक में अगर इस थोड़ा सा नदामत सादगी पर क्या शैतान सी बिल्कुल तो थोड़ा सा जो इससे दूर रहे हम साद पढ़ गसव साद पढ़ निमो इस कुर्बान हन तो तमिश क्यों पता है हमारी सोसाइटी। जी मैं एक दोस्त से कुछ दिन पहले बात कर रहा था, मैंने कहा कि बदकिस्मती यह है कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं। एग्जैक्ट दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जीते हैं, दूसरों को खुश रखने के लिए जीते हैं और इसी शो ऑफ के चक्कर में हम अल्लाह रहम करे ये जो मैं यूज कर रहा हूँ कि जलील खार हो रहे हैं बिल्कुल सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना स्टेटस एक मसनवी स्टेटस लोग कोशिश कर रहे हैं आजकल कि एक मसनवी स्टेटस एक फाल स्टेटस एक फेक स्टेटस कायम करने के चक्कर में वो चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अच्छा बहुत सारे लोग जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं ना फिर वो मजबूर हो जाते हैं ये सब करने के। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ, अब देखिए अब कोई चीज फिर रस्म बन जाती है। जी अब आप कहते हैं कि अगर न बकर के बेमान शिकस्त
بہم ماننے کہ امس شاید حیثیت مگر حقیقت یہ کہ یوز کھانے مصنوعی چیز آسہ جو آپ پریٹینڈ کرتے ہیں الٹیمیٹلی جو اصلیت ہے وہ آیا ہوتی ہے بالکل تو مجھے لگتا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اصلیت کا دامن پکڑیں اور کوشش کریں ہم سب پر یہ مجھ پر بھی عائد ہوتا ہے میرے گھر پر بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم اصلیت کو ہی دکھائیں ہم نقلی نہ بنیں ہم مصنوعی نہ کریں ہم پریٹینڈ نہ کریں اس سے یہ ہوگا ایک تو ہمارا سماج خوشحال بنے گا اور انیسسرلی ہماری کسی چیز کی وجہ سے کوئی غریب کوئی ایسا شخص کوئی ایسی فیملی جن کی افورڈیبلٹی نہیں ہے ان پر دباؤ نہیں آئے گا ان کے لیے یہ بوجھ نہیں بنے گا ان کے لیے یہ پریشانی نہیں بنے گی تو آپ سے مدبانہ گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اس چیز سے باز آ جائے کیونکہ ہمارے سماج میں یہ ایک بہت ہی بڑے ناسور کی طرح یہ چیز پھیل رہی ہے ابھر رہی ہے تو جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اس عید پر ہم سادگی سے چیزیں کریں جو اوریجنیلٹی ہے اس اوریجنیلٹی کو قائم رکھیں جو اوریجنیلٹی ہمارے اسلافوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے ہمیں کر کے دکھایا ہے اس چیز کو ہم فالو کریں کیوں ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو چیزیں ہمارے کلچر کی ہے نہیں جو چیزیں ہماری تہذیب کی ہے نہیں جو چیزیں ہماری ہے نہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہم ان کو کیوں فالو کر رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جڑ کر ہم کشمیر کا نام تو خراب کر ہی رہے لیکن اپنا نام بھی کر رہے ہیں اپنے والدین کا نام بھی خراب کر رہے ہیں اچھا اظہر بھائی بہت بہت مطلب اس میں کچھ ایڈ کرنے کی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بس دو پوائنٹ میرے ذہن میں آئے آگو کہ آج مطلب ایشو بڑھے ہی نہیں اگر لاسٹ ایئر کیا آج زو چیز آپ ہرے نہیں بیٚیہِ اَتھ کَرٕ بہٕ سَمَوِتھ پٲٹھۍ کہِ لوگ کیٛاہ کہیں گے کیٛازِکہِ ہمارا جو سارا جو پٔرسیپشن بنا ہے کہِ آپ کیٛاہ سونچیں گے میرے بارے میں بہٕ کیُتھ چھُ مطلب یہاں پہ ہم تین ہے کہ آپ نے کیسی ڈریسنگ کی ہے خود کے لیے نہیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں ایگزیکٹلی تو چھو پتہ بہ ونا تو یہ فارمیلٹیزم ہے حالانکہ یہ چھ بیسک اس کنٹیکسٹس مز مگر یہ امس تر یہ سمجھ تھوڑا سانہ وچھن والن تہ زِ اس کتیا چھ فارمیلٹین لر تہ یوزن اصلی چیز چھ اس مشدی گژھان سانہ اکھ سٹھی رفیق شفیق دوست چھ قاضی محمد عمران صاحب دارالعلوم بلالیہ سے وابستہ اکہ دۄہ ووٚن تمو مےٚ دوٚپُکھ بہٕ حظ گوس بہٕ ہیٚمہٕ نہٕ ناو علاقہٕ کیٚنٛہہ شہرسٕے منٛز سری نگرس منٛز بہٕ حظ کوٚر حظ بڑٕ یِوان مجبوٗر دوٚپُکھ ہے نہ حظ تۄہہِ چھُنہٕ ضروٗری اَسہِ نِکاح پَرناوُن دوٚپُکھ مےٚ دوٚپمَکھ ہے مےٚ ٲس صُبحٲے فجرٕچ نِمازِ وِزِ آسان ہُشار گژھُن مےٚ گژھِ عذاب دوٚپُکھ نہ حظ مہربٲنی کٔرِو أسۍ حظ کرو جلدی دوٚپمَکھ جلدی کٔر تہٕ خٲر ساڑٕ دہ بجے ہیوٗ ووتُس بہٕ اور دوٚپُن وۄنۍ تھوٚکُس بہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ پیٚیہِ مےٚ نِنٛدٕر دوٚپُن مےٚ چھُ صُبحٕکہِ وقتہٕ کران تقریٖباً 3:30 بجے یِم ہُشار ہے ووتھَس مہرازَس آو مہرازَس ہُشار گژھان دوٚپُن ییٚلہِ یِم مہراز آو دوٚپُکھ ٹھیٖک حظ چھُ وۄنۍ حظ کوٚر وضوٗ پُزوٗ مےٚ دوٚپُکھ چلو کرہوس بِسمِ اللہ أنِو حظ نِکاح کاغذ دوٚپُن نِکاح کاغذٕے چھِنہٕ دوٚپُن کورِ مٲلۍ چھِ وَنان گوٚبرٕ مالٮ۪ن تہٕ گوٚبرٕ مٲلۍ چھِ وَنان کورِ مالٮ۪ن کہِ دوٚپُن باقٕے سارے فارمیلٹیٖز یِم پَرنُے چھُ تہِ کوٚرُکھ اچھا بیاکھ اکھ خلق یہِ گژھِ ویوٚٹھ پانَس وَنُن یہِ گژھِ بیاکھ اکھ کَتھ وَنو تۄہہِ بہٕ یہِ گژھِ ویوٚٹھ پانَس وَنُن أسۍ چھِ وَنان ییٚلہِ اَسہِ خانٛدر خۄندر آسہِ وَنان دَپان چھِ اچھا ٹھیٖک چھُ نِکاح نِکاحٕچ پریشٲنی مۄکلٲے نہٕ اَسہِ راتھٕے نِکاح پَرٕنۍ چھِ اَسہِ باسان نہٕ پریشٲنی یہِ اَصلی خانٛدر چھُ سورُے یہِ چھِ اَسہِ باسان پریشٲنی تہٕ مگر یِم باقٕے مطلب یِم چیٖز یِم اَننیسَسَرلی أسۍ کَران چھِ اچھا اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ اَکھ بوٚڑ بار معاملہٕ یہِ گژھان زِ یُس أسۍ فارمیلٹیَن لٲے روٗدۍ زیادٕ اَمہِ سۭتۍ یُس اَصلی مقصد چھِ رِشتَن ہُنٛد بِلکُل اَصلی خلوٗص گوٚژھ آسُن محبت گوٚژھ آسُن سُہ موقع اچھا یہ آپ نے بڑا ہی مینشن کیا میں باسان اظہر بھائی ہم نے بہت سارے پہلوؤں کو ٹچ کیا میں باسان یہ پہلو گو جو آپ نے اہم پہلو کے اور آج جو ہے پلیز یہ میری گزارش ہے آپ سے اچھا پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں لاسٹ ایک منٹ ہے تو میں اس کو سم اپ کرنے کے لیے اظہر بھائی پلیز ایڈ کیجیے گا کہ کوشش کرو کہ جو ایس ایم ایس کرتے ہیں ہم یا فون چھ کران کوشش کرو آج چھ اسہِ موقع فزیکلی گژھو أسۍ کرو عید مبارک گھر گٔژھتھ کرو أسۍ عید مبارک جو ہمارے دوست ہیں رشتہ دار ہیں یہ بہت ضروٗری ہے کہ کیازکہِ بیٚیہِ یُس لۄکُٹ بچہٕ آسہِ کانٛہہ آسہِ گرس منٛز سُہ تہِ واتہِ سُہ تہِ نِمون پانس سۭتۍ تاکہِ ان کو بھی ایک تربیت ہو جائے چلو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ونو پنٕنٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن اسہِ سارنٕے ہٕنٛدِ طرفہٕ سانہِ پوٗرٕ ٹیٖم کہِ طرفہٕ سانہِ پروڈیوسر صٲبنہِ طرفہٕ سانہِ یُس زن دوٗردرشنس تہٕ گُڈ مارنِنٛگ جے اینٛڈ کے سۭتۍ منسلک واریاہ سٲنۍ دوس چھِ اکھ بٔڑ ٹیٖم چھِ بالکل یِمن سارنٕے ہٕنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ عیٖد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک باد تۄہہِ کرو یِہے گُزٲرِش اسہِ سوٗزِو پنٕنٮ۪ن دٲیخانن منٛز بیٚیہِ اکہِ لٹہِ عیٖد مُبارک